हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया उस क्या है वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पंचायती राज सिस्टम जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट में है, तो पंचायती राज सिस्टम किस में है? रूरल लोकल गवर्नमेंट में, जो कि पॉपुलरली नॉन एज पंचायती राज, जैसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है जो गांव में ग्रामीण इलाकों में जो गवर्नमेंट होती है। ईच विलेज, अगर हम एक विलेज की बात करें तो उस या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में जो गांव होते हैं या गांव में जो विलेजेस के जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर्स, ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। तो इनके हेड को, जो कि ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो प्रेसिडेंट होते हैं, या तो प्रेसिडेंट या पंच या सरपंच के नाम से हम उनको बुलाते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। अब इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करने का काम है गांव में जो एडल्ट मेंबर होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और जो ये ग्राम पंचायत होती है ये पूरे गाँव के लिए क्या करती है? पूरे गांव का जो भी डिसीज़न लेना होता है ग्राम पंचायत ही लेती है। उसके बाद देखेंगे द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ द ग्राम सभा। अब पंचायत जो वर्क करती है किसके अंडर काम करती है, किसके सुपरविज़न में काम करती है? ग्राम सभा के। ग्राम सभा क्या होती है? ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर। जितने भी एडल्ट वोटर्स होते हैं जो कि ग्राम पंचायत के लिए वोट करते हैं, या फिर जो हेड जो पंच हैं पंचायत ग्राम पंचायत के उनको चुनते हैं, तो यही सारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें ग्राम सभा कहा जाता है। अब ये गांव के ही जो एडल्ट मेंबर होते हैं वही होते हैं इसमें मेंबर। और इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंक्शंस परफॉर्मेंस को देखना, उनके लिए उसके रिगार्डिंग मीटिंग्स करना साल में 2-3 बार, और बजट पास करवाना, अप्रूव करना ग्राम पंचायत के लिए, तो ये सब किसका काम होता है? ये होता है ग्राम सभा का काम, जो कि जिसका काम है कि वो सारे फंक्शन देखता है ग्राम पंचायत के। अब हम देखेंगे, अब जो हमने ग्राम पंचायत का जो हम कह सकते हैं वो ग्रुप टुगेदर, यानी एक गांव की जो ग्राम पंचायत है, या फिर अब ये 2-3 गांव के जो ग्राम पंचायत हो गए, अब जब ये इकट्ठा हो जाती हैं तो ये सारे के सारे क्या कहलाती हैं? इनको हम पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल कहते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ये सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जैसे कि जो ग्राम सभा है वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होते, लेकिन जो ये हैं अभी आप देख रहे हैं पंचायत समिति के अंदर जो भी मेंबर गए हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर हैं। ऑल द पंचायत समिति, अब जितने भी पंचायत समिति हैं, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द ज़िला परिषद। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, यानी इसके अंदर जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, और जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं, यानी जो ये समिति हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर, यानी हम कह सकते हैं आसपास के जो और भी हैं 3-4 गांव होते हैं उनके मेंबर मिलकर, ग्राम पंचायत के मेंबर मिलके क्या बना रहे हैं? समिति बना रहे हैं। और ऐसे ही 2-3 समितियाँ क्या बनाती हैं? वहाँ के जो इकट्ठा अगर वो हो जाते हैं तो वो ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, परिषद, मतलब हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो इकट्ठा होकर, जितनी भी ऑल समिति हैं, मंडल हैं उस डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की, तो हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
यानी पूरा एक जिला परिषद बन जाता है, और मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद, और ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज़ कहलाती है, जिला परिषद आर द मेंबर ऑफ द जिला परिषद, और जिला परिषद के ये सब मेंबर होते हैं। अब हम देखें म्यूनसिपैलिटी क्या है। अभी तो हमने रूरल एरिया का देखा, अब देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत हमने रूरल एरिया में देखा, सिमिलरली अब हम देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में होती है, और बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, और म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं म्यूनसिपल है वो टाउन्स में होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो म्यूनसिपल और म्यूनसिपैलिटीज़ के कंट्रोल करता है इलेक्टेड पर्सन होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, वो इसमें होते हैं। और द म्यूनसिपल चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड है म्यूनसिपैलिटी का, यानी टाउन में जो म्यूनसिपैलिटी होती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर। तो ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सिटी का पढ़ रहे हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड कौन है, और किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, 30 ईयर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में जो पंचायत है या ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद, ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको पता है तो आप इजीली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग होता है, किस तरीके से पंचायत और ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद ग्राम पंचायत, 3-4 गांव की ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति, उसी के मेंबर पंचायत समिति बनाते हैं, फिर पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है, और ये सारा सिस्टम आपको समझना है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।